गाइस वो देखो उधर से सब लोग एंट्री कर रहा है। मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ और क्या क्या आए सब कुछ मैं बताऊंगा। कलुआ कलंडे इधर आ। कैसा हुआ एग्ज़ाम तेरा? अच्छा गया कि लेकिन मैथ बहुत हार्ड है। आपका कितना आएगा लगता है? हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इट्स माय फर्स्ट ब्लॉग और आप लोग टाइटल थंबनेल देख के समझ चुके हो कि आज क्या है। मतलब आज नहीं है, मैं आज वीडियो बना रही हूँ। ये हम कल जाएंगे सिलीगुड़ी और आज ये। तो गाइस कल मिलते और देखते कल के दिन हमारे लिए कैसा होता है। हमारे बंधु इंट्रो दे बोल नाम टम बोल। আমি কিন্তু হিন্দিতে বানাই বানানা দেখবনি। আচ্ছা যাচ্ছি শিলিগুড়ি, তো দেখা যাক কি হয়। আম যা রে শিলিগুড়ি দেখেঙ্গে ক্যা ক্যা হোগা। তো গাইস আমি সুবিকে 5 বাজে আর সব লোক में इतना ठंड लगा है मुझे कि मेरे हाथ कांप रहा है सब। हे गाइस अभी हम आ चुके हैं हावड़ा पेट्रोल पंप, शिलीगुड़ी हावड़ा पेट्रोल पंप। अभी हम जाएंगे कुछ खाना वाना खा के। सेवक रोड कौन दिख जाते हैं? सेवक रोड गाइस अभी हम जा रहे हैं भवानी इन्फोटेक्स। गाइस अब हम आ चुके हैं भवानी इन्फोटेक्स के सामने। अभी जाएंगे देखेंगे। एग्ज़ाम तो हमारी 12:30 है। और गाइस अभी मैं देख के आ चुका हूँ कि मेरा मतलब एग्ज़ाम किधर है। तो मैंने देखा तो मेरे साथ दो लोग थे, ऑटो पे था मेरे साथ। तो एक लड़का था और एक लड़की थे। नहीं दे पाए, मतलब लेट हो गया। वो 8:30 का उनका रिपोर्टिंग था। अभी पहुँचते 8:30 हो गया था। पहुँचते 8:30 हो गया था, तो इसलिए ये घुसने नहीं दिया। गाइस अभी चाय पियेंगे। मैंने चाय ऑर्डर दिया है। गाइस मैंने चाय वाय खा ली। एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करने के लिए बहुत समय है। अभी 11:00 मेरे को एंट्री करना है और अभी तक बहुत समय है एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए। अभी 9:00 है, अभी सुबह के 9:00 है। इतने बजे तक पता नहीं क्या करूँगा। गाइस अभी जो मैं रास्ते में घूम रहा हूँ, मेरे को कोई खाने वाने का शॉप नहीं दिखाई दिया। तो मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ किधर है। बहुत भूख लगी है, सुबह सिर्फ एक कप चाय पी के आया हूँ तब से ही, और कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक कप चाय ना। अभी तक पानी भी नहीं पिया। अभी जो इधर सारे दुकान बंद है क्योंकि ये सब 10:00 के बाद खुलेगा। तो अब कहाँ जाऊँ, कोई शॉप भी नहीं है, सब दुकान बंद है इधर। सब 10:00 के बाद खुलेगा और हम अभी सुबह के 9:00 है। ये देखो गाइस लड़का लड़की में प्यार हो रहा है। अबे दोनों ही लड़का है बे। ए कलुआ के लंडे इधर आ। ए कलुआ के लंडे इधर आ जा। गाइस कैसा मेरा एग्ज़ाम हुआ, मैंने क्या क्या अटेंड किया और क्या क्या नहीं किया, मतलब मेरा कितना कट ऑफ आएगा, कौन कौन से मतलब कितना मैंने गलत किया सब बताऊँगा। आप वीडियो में बने रहें। वो देखो हेलीकॉप्टर, वो मेरे लिए आ रहा है, वो सस्ता हेलीकॉप्टर। वो अबे बेचरी के इधर आ जा, इधर हूँ मैं। अबे किधर जा रहा है बे? 1 hour later गाइस अभी मैं खाना खा चुका हूँ और अब जाऊँगा एग्ज़ाम हॉल पे, घुसूँगा, देखता हूँ क्या क्या होता है। मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ और क्या क्या आए सब कुछ मैं बताऊँगा। गाइस अभी मैं एग्ज़ाम हॉल पे एंट्री करूँगा और एंट्री करने के लिए ये 2 शीट चाहिए, दिखाते हूँ। ये पहला है एडमिट कार्ड और ये दूसरा है वो जो मतलब कैंडिडेट नेम, कहाँ पे आपका एग्ज़ाम है, डेट वेट वगैरह, आपका सिग्नेचर, ये सब यहाँ पे है। तो ये 2 चीज़ चाहिए और कोई घड़ी या फिर मोबाइल बैग कुछ नहीं लेके एंट्री करने देगा, सब बाहर रखना पड़ेगा उनको। तो अभी कुछ ही देर में एंट्री होगा, ये 5-10 मिनट पर। तो देखते हैं
और तुमको दिखाऊंगा वो मतलब किधर एंट्री होगा, सब लाइन पे लगे हैं गाइस। वो देखो उधर से सब लोग एंट्री कर रहा है, सब लोग लाइन पे लगे हुए हैं, कागज हाथ में है सब कुछ। उधर से वो नीली वाले गेट पे, उधर से नीली वाले गेट से। 2 hours later गाइस, अभी अभी मैंने एग्ज़ाम दे के निकला हूँ और मेरा एग्ज़ाम मैंने जितना पढ़ा है उतना ही आंसर किया है जितना मेरे को आया है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मैंने जिस हॉल पे एग्ज़ाम दिया तो उसी में लड़की लोग था, तो उन सबको देख के मैं नर्वस हो गया। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, मतलब एक क्वेश्चन था मतलब जिसमें बोला था जो IPL की कौन सी टीम में राशिद खान खेलता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मतलब इजी था वो। IPL की कौन सी टीम में राशिद खान खेलता है ये क्वेश्चन आया था, तो ऑब्वियसली वो सनराइज़ हैदराबाद होगा। अभी घर चलते हैं, तो अभी जाते हैं बस स्टैंड और बस पकड़ते हैं। गाइस इतना ट्रैफिक है मैं क्या बताऊँ, एकदम भयंकर ट्रैफिक है, इधर भी है उधर सब रोका हुआ है दिक्कत। गाइस अभी हम यहाँ से बस में चलेंगे, मेरा दोस्त बस पे आ रहा है, वो बस स्टैंड पे है, देखते कितनी देर में आएंगे। गाइस अभी अपने पास माता वहाँ पे रुके है। हाँ तीनों भाई थोड़ी देर पे यहाँ से जाएंगे, यह बस थोड़ा रुका है और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा कितना भीड़ है मैं दिखाती हूँ, थोड़ा एकदम भयानक भीड़ है गाइस, भरता निकल गया हमारा। 3 hours later घर चला गया एग्जाम खत्म करके, अभी अभी बस से उतरे हैं हम और एग्जाम एकदम हो गया, सब कुछ हो गया, अभी घर आए। बहुत भीड़ था बस में इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया और बस अभी लास्ट वीडियो बना रहा हूँ खत्म, अभी के लिए बस इतना ही, अब सब चलते हैं बाय। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करके दीजिए, लाइक ठोको और सब्सक्राइब ठोको ठोको वीडियो कैसे हुई कमेंट करके बताना, ठीक है।